बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके साथ शेयर करेंगे फ्रेंच टोस्ट बनाने की रेसिपी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक अंडा लिया है और इसके अंदर हमने थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है। दूध ऐड करने के बाद हमने इसमें शुगर ऐड कर देनी है। एक चम्मच आपने चीनी इसमें ऐड कर दी। उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेना है ताकि ये इक्वली मिक्स हो जाए और बेहतरीन तरह का पेस्ट सा बन जाए। तो ये मिक्स करने के बाद आपने एक ब्रेड लेनी है, एक स्लाइस आपने इसके अंदर सोक कर देनी है और फिर इसको आपने साइड तब्दील कर देनी है ताकि दोनों तरफ से अच्छे तरीके से ये मिक्सचर इसके ऊपर लग जाए। उसके बाद हमने थोड़ा सा मक्खन लेना है या बटर, और आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं अगर बटर आपके पास नहीं है तो। अब पैन में हमने ये नीचे लगा लिया और थोड़ा सा इसको मूव किया ताकि ये अच्छे तरीके से फैल जाए। उसके बाद हमने जो स्लाइस सोक की थी मिल्क और एग के मिक्सचर में, उसको इसके ऊपर रख दिया और थोड़ी देर के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने कुक करना है, 2 से 3 मिनट। ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं रखना अदरवाइज़ ये जल जाएगी। फिर इसके टॉप पे भी हमने थोड़ा सा मक्खन ऐड कर दिया ताकि दोनों तरफ मक्खन सही तरीके से लग जाए, और इसको हमने फ्लिप कर दिया है। तो दोनों तरफ से हमने इसको पका लेना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो लीजिए, आपका मज़ेदार सा फ्रेंच टोस्ट रेडी है। आप इसको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं। आई होप कि आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी, और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।